2019 में एक लड़के ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो आज अपने परिवार को मारने वाला है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और लोगों को जब ये लगने लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, तो उसने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के मेंबर्स की लाशों के फोटो भेजना शुरू किया और धीरे धीरे सबको ये पता चल गया कि ये किसी तरह का मजाक नहीं। लेकिन ये बंदा कौन था और आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा था, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारी क्राइम रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। घटना 1980 की है, जब एक कपल मनीरा जमान और ममता बेगम बांग्लादेश से कनाडा शिफ्ट होते हैं। वो लोग वहां पर जाकर अच्छी तरह से सेटल हो गए और 1996 में उनके घर एक लड़का होता है जिसका नाम उन लोगों ने मेहज रखा। धीरे धीरे टाइम बीतता है और 1998 आते आते उनके घर पर एक लड़की भी हुई और उसका नाम उन लोगों ने मालिसा रखा। अब तक ये परिवार कनाडा में पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था और वहीं पर उसके लड़के की पढ़ाई शुरू होने लगी, लड़की भी पढ़ने के लिए जाने लगी और मनीरा ने भी अपना कारोबार वहीं पर जचा लिया। उसका लड़का भी अपनी पढ़ाई के लिए जाता है, लेकिन वो अगर पढ़ाई में देखा जाए तो वो इतना अच्छा भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पास हो जाया करता था और इसके अलावा उसे स्टडी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था और पढ़ाई में ज्यादा रुचि ना होने के कारण वो अक्सर फेल भी हो जाता और उसके घर वालों के गुस्से का शिकार होता। इसी तरह गिरते पड़ते उसने अपनी 12th कंप्लीट की और उसका नंबर वहीं पर मौजूद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पड़ जाता है। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए वहीं यार्क कॉलेज टोरंटो में जाने लगता है। वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करता है, सेकंड करता है, लेकिन सेकंड के बाद उसने अपना कॉलेज छोड़ने की सोची, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं अब अपने घर वालों को जाकर बताऊंगा ये बात कि मैं इसी तरह इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे और मैं इसी तरह तैयार होकर अगर घर से आता रहूंगा तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। और उसका जो अपना कॉलेज छोड़ने का कारण था वो ये था कि उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी काफी सारी री आ चुकी थी और सेकंड सेमेस्टर में भी काफी सारे सब्जेक्टों में वो फेल हो चुका था और उसे अब पता था कि पहली बार में ही मुझसे ये क्लियर नहीं हुआ और अब की बार तो थर्ड ईयर के भी एग्जाम आने वाले हैं, अब की बार फर्स्ट के भी देने होंगे, थर्ड के भी देने होंगे, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसने यही सोचा कि मैं कुछ दिनों तक इस तरह टाइम पास करता हूँ और बाद में अपने घर वालों को समझा लूंगा कि इस तरह मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। जैसा कि उसने प्लानिंग बना रखी थी तो बिल्कुल उसने ऐसा ही किया। वो अपने घर से हर रोज तैयार होके आने लगा और अपने जहां उसे कॉलेज में जाना था तो उसकी जगह वो या तो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जिम में बिताने लगा या फिर किसी मॉल में घूमने के लिए चला जाता या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलकर अपना समय बिताने लगा और जिस टाइम उसके कॉलेज की छुट्टी होती तो वो अपने घर चला जाता। इसी तरह थर्ड सेमेस्टर बीतता है, फोर्थ बीतता है और इसी तरह चलते चलते उसकी इंजीनियरिंग पूरी हो गई। अब उसके घर वालों ने तो ये बात पूछनी शुरू की कि बेटा तुम्हारे इंजीनियरिंग का क्या रहा और तुम्हें कितने परसेंट मिले हैं वगैरह वगैरह, अब तुम आगे जॉब के लिए क्या सोच रहे हो। तो इस बात को लेकर महज काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार अब मैं जाकर अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से किस तरह से बताऊं कि मैंने इंजीनियरिंग तो 3 साल पहले ही छोड़ दी है, दरअसल मैं कुछ एग्जाम्स में फेल हो गया था और उसके बाद तो मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी और 3 साल से सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आ रहा था और जितना आप लोग किताबें खरीदने के लिए खर्चा दे रहे थे उनसे मैं गेम खेलता था, मॉल्स में घूमता था और अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद कर रहा था। ये बात उसके समझ नहीं आई तो वो वहाँ अपने ऑनलाइन गेम वाले प्लेटफॉर्म पर आता है और वहाँ पर आकर कुछ देर गेम खेलने के बाद उसने ऑनलाइन अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और उसके ऊपर जाकर कुछ ऐसे लोगों से बात करनी शुरू की जिससे वो अक्सर किया भी करता था। लेकिन इस ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस या फिर अच्छे से तो नहीं जानते थे, लेकिन इसी तरह वो लोग सोशल मीडिया पर मिले थे और वहीं पर बैठकर वो अक्सर बातें करते रहते थे। तो उसने ये प्लान बनाया और उन लोगों के सामने जाकर ये बात बताई कि इस तरह मेरे साथ कुछ हुआ है और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वालों को जाकर किस तरह से ये बात बताऊं कि मैंने
इतने दिनों तक लगभग 3 सालों तक सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से उन्हें बताने की कोशिश की। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने कहा कि तुम अगर साफ साफ जाकर उन्हें बता दोगे तो हमें नहीं लगता कि वो लोग कुछ ज्यादा गुस्सा करेंगे, क्योंकि अगर तुम अभी भी अगर उनसे झूठ बोलते हो और अब जाकर ये बोल दोगे कि मैं कोई इसी से रिलेटेड अलग कोर्स कर रहा हूँ, तो आगे चलकर इन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी, तो तुम्हें सच सच जाकर उन्हें बता देना चाहिए। तो मेहज ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार मैं फेल हो गया था तो मेरे घर वालों ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा किया था, और उसके बाद तो काफी बार मेरे घर वाले भी मुझे देखकर ये बात बोलते हैं, मेरे आस पड़ोस वाले लोगों के सामने भी, कि हमें अक्सर इस बात को लेकर काफी ज्यादा शर्म आती है और ये बोलने में भी शर्म आती है कि हमारा लड़का है। और अब की बार मैं कहूंगा कि 3 साल से इसी तरह मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं, तो वो लोग मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर देंगे कि मैं यहाँ पर रहने लायक नहीं रहूंगा। वहां पर सभी लोग अपने अपने थॉट दे रहे थे, लेकिन महेश के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसने अगले दिन ऑनलाइन आकर उन सभी लोगों को बताने की कोशिश की कि मैंने इसका फाइनली एक रास्ता निकाल लिया है, और वो है ये कि मैं उन सभी को मार डालूंगा, किसी को कोई शर्म नहीं आएगी और किसी को ये बात नहीं कहने पड़ेगी कि हमें इस बात का काफी ज्यादा दुख है कि ये व्यक्ति हमारे घर में पैदा हुआ है, मैंने ये सोचा है कि मैं उन सबको मार डालूंगा। मेहज की ऐसी बातें सुनकर उसके काफी सारे दोस्त उसे एक मजाक में लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि वाह क्या बात है तुम्हारी, तुमने आखिरकार सॉल्यूशन निकाल ही लिया। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब वो करने वाला क्या है, क्योंकि जैसे ही सुबह उन लोगों की ये बात होती है तो उसने दोपहर को एक फोटो ग्रुप में डाली, और वो थी उसकी खुद की माँ की, जो कि अब मारी जा चुकी थी। और उस फोटो में बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता था कि एक महिला नीचे मरी पड़ी है। उसने वो फोटो क्लिक किया और अपने उस ग्रुप में डाल दिया। इस फोटो को देखकर उसके काफी सारे दोस्तों ने सोचा कि शायद ये नॉर्मल फोटो होगी और इसने ये शायद इंटरनेट से उठाई होगी। लेकिन इस घटना के कुछ ही देर बाद उसने एक फोटो और अपलोड की और उसने कहा कि ये मेरी दादी थी। ये चीज देखकर उसके ग्रुप वाले काफी ज्यादा अजीब महसूस करने लगते हैं कि यार तुम कैसे बंदे हो, ऐसी कोई मजाक भी नहीं कर सकता और तुम असल में बोल रहे हो कि तुमने ये सब कर दिया। तो उसी ग्रुप में एक ऐसा लड़का भी मौजूद था जो कि इन्वेस्टिगेशन हुई या फिर पुलिस रिलेटेड कार्रवाई हुई इन सब चीजों का कोर्स कर रहा था, और उसे ये सब चीजें जैसे ही मिलती हैं और जब उसे पता चला कि हमारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जो कि ये सब करने का दावा कर रहा है, तो उसने वो सारी की सारी फोटो उठाकर उनके ऊपर थोड़ी तहकीकात करनी शुरू की, और उसने वो सारी की सारी फोटो इंटरनेट पर देखने की कोशिश की और उन्हें देखने की कोशिश की कि क्या इन्हें एडिट किया गया है। तो उसे पता चला कि ना तो इसके ऊपर किसी तरह से फोटोशॉप का यूज किया गया है और ना ही ये गूगल से उठाई गई है। उसने काफी सारी और भी वेबसाइट पर जाकर चेक किया कि ये कहां से उठाई गई होंगी, और जो रिजल्ट में उसने पाया वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये फोटो आज से पहले कभी यूज नहीं की गई थी और ये असल की फोटो थी। उसे ये सब मामला समझ आने लगा कि हो ना हो इस बंदे ने सच में ही ये सारा का सारा कांड रच दिया। तो उसने तुरंत महेश के पास मैसेज किया और उसे समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी तुम ये सब कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं और तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। उसने महेश से थोड़ी देर बात की और महेश ने बदले में यही कहा कि मेरे परिवार वालों को जब ये बात पता चलेगी कि इस तरह हमारे लड़के ने कोई ऐसा काम किया है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग शर्म से मारे जाएंगे, तो उन्हें असल में ही मारा जाना चाहिए। ये बात सुनते ही उस लड़के को ये इस बात का विश्वास हो गया कि अब ये रुकने वाला नहीं और हो सकता है ये अपने परिवार के और मेंबर्स के भी ऊपर हमला कर दे। तो उस लड़के ने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और वो सारे के सारी फुटेज पुलिस को दी। पुलिस भी इस चीज को देखकर समझ गई कि हो ना हो ये व्यक्ति कुछ ना कुछ करने वाला है, और तभी उनके ग्रुप में एक और फोटो आती है। ये थी लगभग 2 या 3 बजे की, जब उसकी बहन मलिसा घर पर आती है। उसके घर पर आते ही उसने उसका भी काम तमाम कर दिया। उसने तुरंत उसको मारकर उसकी फोटो भी वहीं उस ग्रुप में डाल दी।
पुलिस ने ये सब देखा कि इसने एक बंदे को और मार दिया है, तो पुलिस वालों ने तुरंत उस सोशल मीडिया से उसका आईपी एड्रेस निकाला और सारी की सारी वो चीजें निकाली जिससे वो लोग पता लगा सकते थे कि ये बंदा कहां पर है, कहां पर रहता है, घर कहां पर है और ये सब कहां से रच रहा है। तो पुलिस ने तुरंत उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश की क्योंकि उस ग्रुप में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानता था और ना ही ये बात कि वो कहां पर रहता है और ये सारे के सारे कांड वो कहां से रच रहा है। जैसे ही पुलिस को उसका आईपी एड्रेस मिलता है तो वो लोग उसके घर पर जाते हैं, लेकिन घर पर जाते जाते शाम हो चुकी थी और अब तक उसके पिता भी ऑफिस से वापिस आ चुके थे। और अब आप लोगों को पता ही है कि वहां पर पुलिस जैसे ही अंदर घुसती है तो उन्हें वहां पर उसके पिता की भी डेड बॉडी मिली। पुलिस जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो उसे पहले तो गिरफ्तार करती है और उसके बाद वहां पर मौजूद उसकी माँ की, उसकी दादी की और उसकी बहन के साथ साथ उसके पिता की चारों की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने का ऐसा कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग मारे जा चुके थे। पुलिस ने जैसे ही उसे अपने हिरासत में लिया और ले जाकर पूछताछ करनी शुरू की तो उसने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई कि जनाब मैं बेकसूर हूँ या फिर मुझे छोड़ दीजिए, ये सब मैंने गलती से किया है। तो उसने कहा था कि सर ये सारा काम मैंने अपने होशो हवास में किया है और पुलिस को सारा का सारा ये मामला बताया कि मैंने ये सब क्यों किया है। पुलिस ने जैसे ही ये सब जाना तो पहले तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ऐसे छोटे से कारण के कारण अपने पूरे पूरे परिवार को निपटा सकता है। तो उन लोगों ने और जांच शुरू की लेकिन उसने इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जिससे पुलिस अंदाजा लगा सके कि इन लोगों के मर्डर के पीछे आखिरकार इस लड़के का मोटिव क्या था। जैसे ही ये बात उनके पड़ोसियों को पता चली तो उनकी जो सबसे करीबी पड़ोसी थी उसने कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं होता क्योंकि वो लड़का देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा था और अक्सर हम लोग उससे बात भी किया करते थे, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल नेचर का था और मुझे नहीं लगता कि ये सब उसने अपने होशो हवास में किया है। जरूर कोई ना कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसके कारण उसने ये सारे के सारे कांड रच दिए। I was surprised about Minhas. He was such a nice guy. He was such a sweetheart. He would help me. He was very helpful for me for whole 6 years. इस घटना के बाद उसकी बहन की एक फ्रेंड भी वहां पर आती है और वो आकर ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा अपसेट हुई क्योंकि उसने बताया कि हम लोग कॉलेज में भी काफी बार मिलते थे, मैं इसकी बहन की काफी अच्छी फ्रेंड थी और हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जैसे ही मैं इससे मिला करती थी तो इससे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ करता था। मैं इसे अपने अच्छे दोस्त के साथ साथ एक पार्टनर के रूप में भी देखा करती थी और जब भी हम लोग साथ होते तो काफी ज्यादा अच्छा टाइम बिताया करते थे और इसके अलावा जब भी मैं इसके साथ हुआ करती थी तो मैं अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ महसूस करती थी, लेकिन जब से ये वाकया हुआ है मैं सच में ही इससे काफी ज्यादा डरने लगी हूँ और मेरे दिमाग में यही बात है कि अगर मैं इसके साथ किसी तरह से रिलेशनशिप में होती तो शायद आज मैं भी इसकी फैमिली की तरह यहीं पर मरी पड़ी होती। पुलिस को ये सारी की सारी जैसे ही बात पता चलती है तो तुरंत उसे कोर्ट में पहुंचाया गया और वहां पर जज ने इसके कारनामों को सुनकर इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसके अलावा 40 साल तक बिना किसी पैरोल के इसे जेल में ही रहना होगा, यानी कि अगर इसे जेल से बाहर आना है तो ये 65 साल के बाद ही आ पाएगा। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इसने अपने परिवार को क्यों मारा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट लूसी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।